गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और ये कौन है, ये है लारा त्रिपाठी। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप लोगों का प्यार है। और ये लारा के वीडियो पे 1 लाख ये देख रही काट रही है, देखा देखा काटा इसने मुझे, सबके सामने काटा, इज्जत दो दी इसने मेरी। इसके वीडियो पे इतने ज्यादा ज्यादा व्यूज आ रहे थे, जरा लारा तुमको लोग भी वो देना पसंद कर दे, बंद कर देंगे लाइक करना। इसने काटा, आपने देखा ना प्रूफ, देखा ना प्रूफ, ये काटती है, ये ऐसे ही करती है, पर ये जोर से नहीं काटती, इनका वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है जब इनके साथ कुछ ऐसा करो। तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग लारा। एंड बेचारी कैसी आई थी और कैसी हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने एक अडॉप्टेड डॉग को इतना प्यार दिया। और प्लीज़ मेरी सामली सलोनी को भी ऐसे ही प्यार दीजिएगा, उस फैमिली को ऐसे ही प्यार दीजिएगा जिन लोगों ने उनको रखा है। और अब मैं बिना डिले के इस ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि आज है 26 नवंबर और आज का दिन बॉम्बे के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोगों ने अपनों को खोया इस दिन, मैं उनको श्रद्धांजलि अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से अर्पित करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बॉम्बे के लिए ये बहुत काला दिन है, पर ये एनएसजी के लिए बहुत ग्लोरी का डे है, पर उनके पर्सनल लॉस पे हुए मेजर उन्नी कृष्णन हम सबको याद हैं। और मुझे कई बार लगता है कि, मतलब ये मेरा पर्सनल फील हो सकता है, कि मेजर उन्नी कृष्णन पे भी मैं सुन रही हूँ बायोपिक बन रही है कोई, पर मुझे लगता है ऐसा कि आप उनकी वीरता को नहीं शो कर सकते। एक मिनट मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी। गीता कुकर बंद कर दो। आप उनकी वीरता को दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितने वीर लोग होते हैं और जिस तरह से वो फाइट करते हैं, उसको एक्टर को उस सेंटिमेंट्स में गए बिना वो नहीं दिखा पा सकता, तो ये डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो एक्ट करने से ज़्यादा अगर हम लोग को मेमोरीज़ में रखें, उनके लिए रियल रिस्पेक्ट अपने मन में रहें, उस परिवार के लिए रिस्पेक्ट रखें जो प्यार दें, जिस परिवार में वो बच्चा पैदा हुआ था, तो वो हमारा एक रोल, हमारे लिए वो चीज़ हमको ज़्यादा अच्छी देगी। आर्मी के जवानों की मदद करें, उनकी फैमिलीज़ की मदद करें, उनके वीडियोज़ को मदद करें। और मदद करने से भी सबसे ज़रूरी होती है जेन्युइन रिस्पेक्ट दें, जेन्युइन रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हमारे रियल हीरोज़ वही लोग हैं, है ना। तो ये मैं कुछ आपको 26/11 में क्या हुआ था, ये तो सभी को पता है, फिल्में बन चुकी इसके ऊपर। और मुझे राम गोपाल वर्मा से बहुत ज़्यादा नफरत है। नफरत इस पॉइंट पे है कि जब ये हादसा हुआ, ये एक बहुत भयानक हादसा था भाई साहब, आपने अपने लोगों को नहीं खोया था ना, इसलिए आपको ये बात नहीं समझ में आ रही थी। आप उस जगह पे पहुंच करके और आप सारा अंदर जा कर के देखने लग गए, जबकि ये ठीक तरीके से जैसे ये ओवर हुआ वैसे ही आपको इसमें एक प्लॉट नज़र आने लग गया। आप लोग क्यों हर किसी के दुख में ट्रेजडी में भी प्लॉट देखते हो? अरे भैया कुछ तो ओरिजिनल बना लिया करो ना, कुछ तो अपने अपनी ओरिजिनल राइटिंग। आप लोग अपने को राइटर्स कहते हो, क्रिएटर्स कहते हो, मेकर्स कहते हो, तो एडॉप्शन क्यों उठाते हो, क्यों बायोपिक उठाते हो? कुछ अपने आप भी बना लो, कुछ सोच लो, कुछ लेखनी लिख लो। एक लाइन नहीं लिख पाओगे, मैं आपको रियल टीम बता दूँ, एक लाइन नहीं लिख पाएंगे। असलियत ये है इनकी, ये हर चीज़ अडॉप्ट करते हैं, ये हर चीज़ जो है प्लॉटिंग उठाते हैं, या तो बायोपिक बना लेते हैं। जो भी चीज़ मार्केट में आई या जो भी चीज़ लगा कि वायरल हुई, उस पर बायोपिक बना लो, उरी पे बायोपिक बना लो। तो आप लोगों ने कभी भी उन फैमिलीज़ को विजिट भी किया जाकर के जिनके घर में उरी कांड हुआ? मेरा सवाल ये, क्या आपने उन फैमिलीज़ को विजिट भी किया है? क्या आपने उनके दर्द को जाके पूछा भी है? तो भैया इससे अच्छा है फिक्शन बनाओ ना, क्योंकि रियलिटी तो बहुत हार्श रियलिटी है।
जो लोग खोते हैं लोगों को, उनके लिए ये एक बहुत हार्श रियलिटी होती है। तो मैंने तो खैर ये प्रण लिया हुआ है कि मैं डिफेंस का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने हस्बैंड पे जो इन्फेंट्री का पार्ट है। हमने बहुत कुछ देखा, तो मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और अपनी अंतिम सांसों तक रिस्पेक्ट करती रहूँगी, और जवानों के प्रति अपने जो भी कर पाऊँगी वो ज़रूर करूँगी। अब मैं 26/11 की कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सबको ही पता था 26/11 में एक्चुअली हुआ क्या, ये कैसे शुरू हुआ और कैसे एंड हुआ, हम सबको पता है। पर जो अब हम यहाँ बात करेंगे कि हमारी विक्ट्री तो हुई, हम अल्टीमेटली एनएसजी ने कंट्रोल लिया और अल्टीमेटली हम जीत गए। बट क्वेश्चन आता है कि एनएसजी को क्यों आना पड़ा, एनएसजी को क्यों आना पड़ा यहाँ पे, एनएसजी को आने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्यों पुलिस इस चीज़ को नहीं हैंडल कर पाई। ये इंसर्जेंसी का मामला तो था नहीं, है ना, ये इंसर्जेंसी एरिया में भी नहीं हो रहा था, तो आर्मी की ड्यूटीज तो इंसर्जेंसी में बनती हैं। और आर्मी ट्रेंड होती है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऑपरेशन स्टैंडर्ड का, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है आर्मी, उसके लिए ट्रेंड होती है, कि एक जवान भी ट्रेंड होता है। इनफैक्ट जब हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, मुझे याद है कि डेली डेली जो है रोड खुलती हैं और रोड बंद होती है। रोड खुलने का मतलब होता है पहले जवान जाके उस रोड को क्लियर करते हैं, तभी एक कमांडिंग ऑफिसर वहाँ से मूव करता है। सीओ के लिए ये रिस्पेक्ट होती है, सीओ की जान को इतना प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ना। एक एक ऑफिसर लीड करता है और उसके पीछे जवान होते हैं टेररिस्ट को जाकर के। चार टेररिस्ट को यूजुअल केसेस में जो है वो एक एक ऑफिसर और जवानों की एक टोली ही जा करके ऑपरेशंस में डील करती है, और मरते भी हैं बेचारे, अपनी जान देते हैं, बट उनको क्लियर रहता है, उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर, उनको ट्रेन रहते हैं किस चीज़ को हैंडल क्यों कैसे किया जाए। सेकेंडली आपके इंटेलिजेंस इनपुट्स और आपके खुद के मुखबिर कितनी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किस समय पे दे रहे हैं, कितनी पहले दे रहे हैं, और आपका ये मुखबिरों का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, आपने कितना स्ट्रांग ये नेटवर्क, आपका इंटेलिजेंस का काम कितना स्ट्रांग है, ये डिपेंड करता है। तो 26/11 जहाँ तक बात करें मुखबिरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर था, वो कोस्ट गार्ड की तरफ से भी बहुत बड़ा फेल्योर था। सेकेंडली पुलिस की क्यों नहीं ट्रेनिंग थी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसमें क्या होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों में ये पुलिस क्यों नहीं ट्रेन थी, पुलिस में ऐसी ट्रेनिंग क्यों नहीं होती है। बॉम्बे जो फाइनेंशियल हब है इंडिया का, बॉम्बे कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बॉम्बे को एक तरफ से शंघाई बनाने की बात की जाती है, और दूसरी तरफ यहाँ पे पुलिस ऐसी सिचुएशन को ट्रेन करने के लिए इसको का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्यों नहीं बना हुआ है, क्यों नहीं आपकी ड्रिल्स होते, क्यों नहीं आपकी ट्रेनिंग्स हुई थी, कि आपको ये पता होता कि भाई ऐसी सिचुएशन आएगी तो स्ट्रेट अवे खट से हमको ऐसे रिएक्ट करना है, रिएक्शन ये होगा। एनएसजी की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी ये सब काम। अब एनएसजीज भी अगर ऐसे काम आके करने लगेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर एनएसजी इसको आके कंट्रोल नहीं करता तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने तो भयंकर मिस्टेक्स की। आपके टॉप बॉसेस, पुलिस के 3 सीनियर लोग एट ए टाइम एक ही साथ एक ही व्हीकल में क्यों गए, बाप रे कितना सॉफ्ट टारगेट है ये। डिफेंस में कितनी छोटी छोटी चीज़ों का कितना ख्याल रखा जाता है, तो पुलिस की ट्रेनिंग डिफेंस के लेवल की क्यों नहीं होती है। अरे उनको इतना ट्रेनिंग तो दे दो कि बेसिक लोग अपनी चीज़ों को सही रख पाए, बेसिक्स तो, ये तो बेसिक ही फेल्योर है। 3 ऑफिसर्स एक साथ, हमने 3 अपने पुलिस के सीनियर रैंक के ऑफिसर्स शहीद हो गए, इतनी
इतने हल्के में मतलब टेररिस्ट भी उनको मार के हंस रहे होंगे यार कि ये क्या, ये तीनों जगहों पे ये लोग तीनों एक साथ, जो उनको कम्युनिकेशन हुआ वो कम्युनिकेशन में ये गाइडेंस क्यों नहीं हुआ कि उनको किस तरह से मूव करना है, उनको किस तरह से वो प्रोसीज करना है आगे। इनको अलग-अलग गाड़ियों में होना चाहिए था, फौज में ये कभी नहीं होता, फौज में ये कभी नहीं होता। अभी आप देखिए जो नगरोटा में आर्मी ने एक्शन किया, हमारी फौज ने जो एक्शन किया और चावल की बोरियों में ये छुप के आए, तो क्या आपको लगता है इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? था, मुखबरी से आर्मी को पहले ही पता था ये आ रहे हैं, ये इस तरह का काम कर रहे हैं, नहीं तो वो अनदर 26/11 होता। तो अगर इस तरह की चीज़ों का ये जो छोटा 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 इनपुट है अगर वो करेक्टली जाता है, दूसरी चीज़ उनकी SOP सिचुएशन स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है, आर्मी उसके लिए ट्रेंड है, वो उस समय ये प्लान नहीं बनाती कि भाई हमें एक्शन अब क्या लेना चाहिए, और हमारी मीटिंग्स चल रही है तो पता चला कमिश्नर कहीं बिजी हैं तो वो कहीं बिजी हैं, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान्ड होती हैं, पहले से ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर एक इसका बना है कि ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरह से एक्ट करना है। फौज उसी के हिसाब से एक्ट करती है क्योंकि इतना वक्त ही नहीं होता, इतना वक्त ही नहीं होता इंसर्जेंसी में, इतना वक्त ही नहीं होता कि आपने लूज किया तो आप गए। अगर फौज एकदम ट्रेंड नहीं होती तो वो अनदर 26/11 था जो हो जाता है ना। तो एक तो पुलिस को ट्रेंड होना चाहिए इन चीज़ों के लिए कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, इसके पीछे ड्रिल्स होनी चाहिए, इनके पीछे पहले से ही पूरी प्रेप रहनी चाहिए, क्योंकि ये इस चीज़ में हमें दुख और पीड़ा तो बहुत है पर 26/11 ने हमको बहुत लर्निंग भी दी, बहुत लर्निंग दी। और मुझे एनएसजी भी थोड़ी लेट हो गई क्योंकि इन सब डिसीजन आने में थोड़ा टाइम लग गया, तब तक काफ़ी देर तो पुलिस ये सोचती रही कि ये नॉर्मल गोलाबारी चल रही है, जो लियोपोल्ड में जब चल रहा था कि भाई ये नॉर्मल गोलाबारी है। मुझे तो, मैं एनएसजी का सम्मान करूंगी, पुलिस में भी बेचारे बहुत लोग थे जिनकी जाने गई, मुझे बहुत अफसोस है। और क्योंकि अगर उनकी शायद में ट्रेनिंग जो प्रोसीजर है वो करेक्टली होता तो इतनी जाने ना जाती, पुलिस भी तो सर्विसेज का ही पार्ट है ना, इतनी जाने नहीं जाती। और बेचारे जब किसी जवानों का डेथ होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनकी फैमिलीज बहुत मुश्किल से अपने आगे की ज़िंदगी गुजारती हैं, ये हम और आप महसूस कर सकते हैं, सिर्फ ये हमारे घरों में तो होता नहीं पर हमने देखा है सब। तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि घर उनके लिए घर का चिराग बुझने का मतलब होता है, उनको बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनका घर का ब्रेड एंड बटर है जो चलना बंद हो जाता है। हालांकि सरकार से सुविधाएं मिलती हैं पर ये लोग किस किस तरह से, कैसे कैसे गांव से किस किस तरह से आके भर्ती होते हैं, चाहे फौज में भर्ती हो चाहे पुलिस में भर्ती हो, तो इनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। और जब आपके सीनियर ही अफसर इक्विप्ड नहीं है तो आप सोचिए जूनियर और नीचे के लेवल पे क्या होता होगा। तो पुलिस के लिए का ये बहुत बड़ा फेल्योर था। और बाकी मैं जो एक बात करूँगी जिसके बहादुरी पे मैं सल्यूट करती हूँ उन लोगों की, वो है ताज का स्टाफ, वो है ताज होटल, ताज का स्टाफ, जो होटेल्स के स्टाफ थे उन लोगों ने क्या कमाल का काम किया, क्या कमाल। देखिए उनका उनका ट्रेनिंग कंप्लीट था, उनका ट्रेनिंग दिख रहा था, उनका ट्रेनिंग और डेडिकेशन वहाँ पे दिख रहा था जहाँ पे वो क्लियर थे कि मुझे अपने होटल के गेस्ट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, चाहे हमारी खुद की जान चली जाए। टाटा जी आपको सलाम, रतन टाटा को मैं सलाम करती हूँ इस बात के लिए, मैं हर 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 उसमें हर बार 26/11 में मैं होटल ताज जाती हूँ, एक कप कॉफ़ी उनके साथ पीने के लिए।
एक कप कॉफी पीने जरूर जाती हूँ, उनकी बहादुरी का मैं बढ़ावा देती हूँ और मुझे बहुत प्राउड होता है उन जगहों को देख के, उन लोगों से मिलके, और वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, होश होते हैं कि फौजी आया, फौजी की वाइफ आई उनसे मिलने। मैं ज़रूर जाती हूँ और मुझे इसी बात का मैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं बोल नहीं सकती कि मैं उनकी बहादुरी को कितना अप्रिशिएट करती हूँ। उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया, बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया, जो मैनेजर थे, जो लोगों के अपने पर्सनल लॉस थे, फिर भी वो पर्सनल से ऊपर जाके, पर्सनल से ऊपर जाके कंट्री के लिए सोचना और अपने लोगों के लिए सोचना पर्सनल लॉस से ऊपर जाके, यही एक वीरता है। कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं आप बैटल फील्ड में ही जाके लड़ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं आप बॉर्डर पे जब तक जाके लड़ाई नहीं कराएं आप एक देश प्रेमी नहीं कहलाएंगे, आपका आपका सेक्रीफाइस लोग महसूस नहीं करेंगे, है ना। और मैं इसीलिए इनको कहती हूँ, जो हमारे तास के एम्प्लॉयज़ थे, जो हमारे अभी कोविड के लिए जो जो हेल्थ ऑफिशियल्स, जो डॉक्टर्स, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी बॉर्डर की लड़ाई से कम नहीं है। पूरा वर्ल्ड इस समय एक लड़ाई से लड़ रहा है, हमारा खुद का देश इस लड़ाई से लड़ रहा है। तो मैं ताज के एम्प्लॉयज़ की बहुत तारीफ करूंगी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा दिल से उनकी शुक्रिया अदा हूँ कि उन्होंने बहुत एक्टिवली एक अपनी रोल प्लेइंग को, एक जो निभाना चाहिए था उससे भी ऊपर जा कर के परफॉर्म किया। और मैं इस साल तो नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ कोविड, भगवान ने चाहा तो अगले साल तक कोविड ज़रूर दूर हो जाएगा और मैं ज़रूर जाऊँगी ताज फिल्म में उनसे बात करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। और मैं फिर से विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ उन लोगों को जिन्होंने अपने लोगों को 26/11 में खोया, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब इस ब्लॉग को ये बंद करती हूँ, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।